झांसी सीपरी बाजार के शोरूम में लगी आग की जांच के जिलाधिकारी ने दिए आदेश। झांसी में गत वर्ष मार्च 2022 में झांसी महानगर के बड़ा बाजार क्षेत्र में स्थित कपड़े के शोरूम में लगी आग के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी और उस घटना के सवा साल बाद झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के रमाबाई चौराहे पर दो शोरूम में लगी आग के मामले में झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त किया गया। वहीं झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को पत्र जारी कर 3 दिनों में जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जांच दी गई है, डिप्टी कलेक्टर को जांच दी गई है और उनसे अपेक्षा की गई है कि जल्द से जल्द, हमने 3 दिन में जांच मांगी है, जांच आख्या में जैसा आएगा उसके अनुसार कार्रवाई।